हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को गार्डनिंग का शौक है तो नए प्लांट्स के साथ आपको प्लांटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आज छोटे छोटे जो हमारे टी कप्स होते हैं उसी से मैं नए प्लांटर आप कैसे डेकोरेट करके बना सकते हैं वही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करिए। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर वॉल पट्टी लेने वाली हूँ और उसमें पानी मिला करके हम उसमें एक डो तैयार कर लेंगे और टूटे हुए कप्स जो आप क्रैक भी होते हैं तो क्रैक को आप ज़्यादा क्रैक है तो आप इस तरीके से अगर पुट्टी लगा देंगे तो आपका जो ये कप होता है वो काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाता है और काफ़ी आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो आपको धीरे धीरे इसमें पानी की सहायता से ही आपको इसमें लगाना है इसे और इसमें आपको जो भी डिज़ाइन बनानी है वो आप इसमें बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से फिंगर टच करते हुए यहाँ पे डिज़ाइन हम बना लेंगे। ये देखिए, आपको अच्छे से अपनी फिंगर को प्रेस करना है और जब ये ड्राई हो जाए तो इसे हम सैंड पेपर से थोड़ा सा हम इसे क्लीन कर लेंगे। अच्छे से आप इसे रगड़िए और उसके बाद में ब्रश से भी आप इसे ब्रश से पूरे जो पाउडर निकलते हैं उसे आप क्लीन कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो ये बिल्कुल चिकना हो जाता है। अब इसमें मैं यहाँ पर ब्लैक कलर कर लिया है पूरे जो मेरा कप था उसमें। अब यहाँ पर मैं गोल्डन कलर लेने वाली हूँ, वो भी यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो गोल्डन कलर है वो भी एक्रेलिक कलर ही है। तो आप इस तरीके से स्पंज की मदद से गोल्डन कलर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा कप जिसमें इसकी हैंडल टूट गई थी तो मैंने इसमें एक कोट यहाँ पे लगा लिया है वॉल पुट्टी का। अब यहाँ पर मैं इसमें दूसरी डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। मैं एक यहाँ पर फिश बनाऊंगी तो थोड़ा सा ये भी हम जो वॉल पुट्टी का डो ही लेंगे पूरा कम्प्लीटली वही यूज़ कर रही हूँ मैं वॉल पुट्टी का। थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही आपको उसका डो बनाना है। इस तरीके से यहाँ पर हम फिश का शेप दे देंगे। पानी की मदद से हम उसे थोड़ा सा शेप देकर चिकना करेंगे। पानी से हम जब यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी सफाई आती है आपके काम में। यहाँ पर हमको जो डिज़ाइन आपको बनानी है ऊपर में वो आप यहाँ पर बना सकते हो। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप यहाँ पिन का भी यूज़ कर सकते हो, सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये टूल्स नहीं मिले तो आप कोई भी पेन का कैप ले करके भी आप ऐसे हाफ सर्कल बना सकते हो। आज हम मार्केट में जब लेने जाते हैं प्लांटर्स तो काफ़ी महंगे प्लांटर्स आते हैं दोस्तों, तो आप ये काम अपने घर पर ही कर लीजिए और ये काफ़ी अच्छे बनते हैं और मजबूत भी बनते हैं तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सैंड यूज़ कर रही हूँ फेविकॉल लेकर के। इसमें हम सैंड को अच्छे से चिपका लेंगे। आप जब यहाँ पे काम करते हैं पुट्टी से तो आपका हाथ काफ़ी गंदा हो जाता है, आप चाहे तो ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी। कलर दोस्तों जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं।
मैं डॉट्स करने के लिए ब्रश को ही ऊपर से यूज़ कर रही हूँ, उसी से आसानी से आप डॉट कर सकते हैं, कोई टूल्स की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब ये जो दो कप्स थे मेरे टूटे हुए, इसमें मैं पहले टेक्सचर पेस्ट करने वाली हूँ। एक बार मैं एक कोड उसका कर लूँगी, उसके बाद में फिर यहाँ पर एक्रिलिक कलर जो आप करना चाहते हैं वो कलर करके डिज़ाइन हम कर लेंगे। सिंपल ही मैं इसे रख रही हूँ, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ। अब ये वाला जो मेरा एक कप था, इसमें मैंने पर्पल कलर कर लिया है और यहाँ पर मैं डॉट पेंटिंग करने वाली हूँ। डॉट पेंटिंग के लिए भी एक्रेलिक कलर ही यूज़ करूँगी। एक्रेलिक कलर के जो नॉर्मल कलर्स आते हैं वो कलर्स और नियॉन कलर्स में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। टूल्स के लिए आप यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल के अलावा आपको टूथपिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने घर से ही बहुत इस तरीके के टूल्स बना सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर लगते हैं छोटे छोटे से प्लांटर्स। अब इसमें हम ये जब सब रेडी हो जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए दोस्तों, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे तो वुड ग्लास, जो कि टच वुड के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा कहीं पर भी हार्डवेयर की शॉप में, इसे आप एक से दो कोट कर लेंगे। इसमें एक ड्राई होने के बाद दूसरा कोट कर लीजिए, तो क्या होता है कि इसको हम धूप में रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कोई कलर ख़राब नहीं होगा। और उसके अलावा आप पानी भी डालते हैं तो आपका ये जो प्लांटर है ख़राब नहीं होगा। और इसे अच्छी तरीके से धूप में सुखा लीजिए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।